वहाँ का सबसे बड़ा अपराधी रीवा में बैठा है नीलमणि अग्निहोत्री SDM, जो इनसे बड़ा अपराधी और पूरा अपराध की जड़ में सदस्य पकड़ना उसका काम, गुंडागर्दी करना उनका काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। सिरमौर SDM कार्यालय में पदस्थ SDM नीलमणि अग्निहोत्री अपने कारनामों के लिए अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, चाहे वो जरमोहरा में खड़ी फसल हो जिसको खड़े होकर इन्होंने कुचलवा दिया था, या राम कुमार पांडे के मामले में दिया गया विवादित आदेश हो, या चुनाव के समय BMO के साथ की गई अभद्रता, या चकदही में रहने वाले अग्निहोत्री परिवार का जमीनी मामला। चर्चा तो ये है कि नीलमणि अग्निहोत्री अपने आप को सबसे बड़ा अधिकारी और वक्ता दिखाने के लिए मुफ्त में ज्ञान बांटते हैं, और वह कमिश्नर से लेकर अपने कार्यालय में आने वाले छात्र से भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए बात करते हैं, और वो इसलिए कि नीलमणि अग्निहोत्री SDM बनने से पहले MR थे, जिसका असर अभी भी उन पर हावी है। SDM कितने विद्वान हैं यह वही जानते होंगे या क्षेत्र की जनता, लेकिन जिस तरह से नीलमणि अग्निहोत्री अपना आपा खो रहे हैं उससे यह तो स्पष्ट है कि तोता चना बाजे घना। ये कहावत सार्थक और चरितार्थ होती नजर आ रही है। बात बात में आग बबूला हो जाना, राजनीतिक व्यक्तियों के दबाव में काम करना, ये उन्हीं के इशारे पर किसी हद तक चले जाना, जब किसी जनसेवक की आदत बन जाती है तो उनके संरक्षक को तकलीफ होने पर उन्हें भी तकलीफ होना लाजमी है। दरअसल ताजा मामला जनपद CEO के ऊपर हुए हमले का है। एक बार फिर SDM नीलमणि अग्निहोत्री ने उस समय अपना आपा खो दिया जब हमारे चैनल है ड्रामानंद पांडे ने नीलमणि अग्निहोत्री से जानना चाहा कि सिरमौर CEO के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ तो क्या उनकी हालत गंभीर होने के चलते मृत्यु पूर्व लिए जाने वाला बयान लिया गया था। सवाल सुनते ही SDM ने अपना ज्ञान झाड़ना शुरू कर दिया, कहा कि बयान दर्ज नहीं हुआ, यह पुलिस का काम है, पुलिस और डॉक्टर जाने। लेकिन SDM को अपनी भड़ास इस बात की निकालनी थी कि CEO के ऊपर हुए हमले पर कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और SDM के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। इसके पहले BMO सिरमौर के साथ की गई अभद्रता को हमारे चैनल ने प्राथमिकता के साथ दिखाया था। इस घटना को भी हमारे चैनल बिना किसी दबाव, बिना किसी झिझक के पीड़ित और विपक्ष की बात प्रमुखता से दिखाई है, जिसके चलते SDM नीलमणि अग्निहोत्री ने ही धमकी दे डाली। पहले आपको सुनाते हैं वो ऑडियो, जिसे सुनकर आप अनुमान लगा लेंगे कि एक SDM किस तरह सवाल पूछने पर भड़क जाता है और तो और आम जनता के साथ कैसा बर्ताव करता होगा, ये भी इस ऑडियो से स्पष्ट हो जाएगा। आपको सुनाते हैं ऑडियो के कुछ अंश। भाई सत्यराम, रामानंद पांडे बोल रहा हूं। बताइए। नहीं, ये जो CEO साहब के साथ घटना घटी थी तो इसमें जो मृत्यूपूर्ण बयान होता तो हुआ रहा होगा क्या वहाँ सिरमौर में? मृत्यु हुई है RCO की, कैसी बात कर रहे हो आप? रिपोर्टर तो बयान तो होता है ना, बयान तो होता है ना, अगर 307 लगा तो बयान पुलिस ली होगी। जब नहीं पुलिस, जो मजिस्ट्रियल बयान होता है वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है ना, तो हुआ होगा ना। डाइंग थोड़ी, डाइंग कंडीशन में थोड़ी थे, अचेत थे। मतलब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 307 लगा है तो उसमें होना चाहिए कोई ना कोई जो अधिकारी पहले पहुंचता है। ये जो कह रहा है तो उससे पूछ। नहीं, मेरे को नहीं पता ना कि हुआ तो नहीं ना सर, आप क्योंकि मौजूद थे मैं इसलिए आपसे पूछा कि क्योंकि आप थे वहाँ तो। नहीं यार, देखिए हमसे गलत पत्रकारिता का क्वेश्चन मत करिए। ये कि अगर 307 लगा है उसके अचेत था वहाँ तो पहले ये कह जा रहा था कि वो बोल ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल अचेत है, मरणासन है, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। CEO यह जरूर है कि अगले दिन कलेक्टर साहब ने बैठक रखी थी गौशाला में। नहीं, वो तो सब है उस... वो हर, मतलब नहीं आप अभी आप ये बताइए कि आपके चैनल में कल हुआ है, उन्होंने मेरे को गैंगस्टर बोला। कौन बोला? ठीक है, अभय मिश्रा ने, और आपने बकायदे बहुत बड़े बड़े में चलाया। अभी चैनल चला रहे सर, कोई बोले नहीं। नहीं, आप पर्टिकुलर चला रहे हो रामानंद जी। ये सुनिए, ये है कड़ी, सुनिए, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, चैनल में चलाओ। ये आप जैसे पत्रकारों से मैं, मेरे जैसा अधिकारी डरने वाला नहीं है। अरे मैं क्यों डरवाऊंगा सर? ठीक है, नहीं आप डरा रहे हो इतनी देर से, क्या कर रहे हो आप? मैं तो पूछा यहाँ पे कर्तव्य है क्या? मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं क्यों बताऊंगा तुमको कि क्या होता है क्या नहीं होता है? एडवोकेट से पूछो जाके। मना कर दीजिए कि मैं नहीं बताऊंगा। नहीं तो बकवास क्यों कर रहे हो इतनी देर से? रखो फोन। अरे बाप, रखो फोन। हाँ क्यों रखो फोन? नहीं समझना कि मैं क्या, क्यों क्यों रखे फोन? तुम एक तो धमकी दे रहे हो, सुनो, तुम धमकी दे रहे हो मेरे को और तुम बोल। हाँ
मैं कोई सहायता लेने थोड़ी आया हूँ आपके पास। नहीं तो क्या अब तो मेरा क्यों फोन लगाया बताओ? नहीं मैं अधिकारी हूँ, सुनो अधिकारी हूँ, तुम्हारे ज्ञान बांटने के लिए नहीं अधिकारी हूँ, अपने कर्तव्य करने के निर्वाहन के लिए अधिकारी हूँ। क्या उसका जब बयान हुआ है कि नहीं हुआ है? बयान हुआ तो क्या, पुलिस से पूछो, पुलिस से पूछो। तुम बकवास सुनो, बकवास अपने सुनो, तुम बकवास दिखा। देखा आपने किस तरह से नीलमणि अग्निहोत्री अपना आपा खो रहे हैं। दरअसल किसी भी घायल को गंभीर चोट लगने पर, खासकर ऐसे मामले में जहां 302, 304, 307 दहेज प्रताड़ना या चिकित्सक को लगे कि इस चोट से मौत होने की संभावना होती है, तो उसका राजपत्रित अधिकारी बयान दर्ज करता है, जिसे हिंदी भाषा में मृत्यु पूर्व बयान कहा जाता है। उसी बयान को लेकर एसडीएम भड़के थे। आपको बता दें कि यह सवाल हमारे चैनल हेड के द्वारा पूछने का उद्देश्य और बड़ा कारण यह था कि गत वर्ष बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में दो ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें पुलिस साधारण मारपीट का मामला दर्ज कर रही थी और आरोपियों ने मेडिकल रिपोर्ट भी 323, 324 जैसी साधारण धाराओं की बनवाकर अपने आप को बचाने का प्रयास किया। डॉक्टरों ने सिर में लगी गंभीर चोट को साधारण बताकर मरीज को छुट्टी दे दी और कुछ समय के बाद ही उनकी हालत बिगड़ी और मरीज की मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं जिले में दो घटित हुई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ दो दर्जन लोगों द्वारा किए गए प्राणघातक हमले और उनका बयान दर्ज न करने की जानकारी के बाद से ही एसडीएम से यह सवाल किया गया। अब आपको यह भी बता दें कि एसडीएम से ही यह सवाल क्यों किया गया। इसके पीछे मंशा ये थी कि घटना के बाद उपचार के दौरान एसडीएम मौके पर मौजूद थे। एसडीएम चाहते तो सीधे कह सकते थे कि उन्हें जानकारी नहीं है या ये सवाल पुलिस और चिकित्सकों से पूछें, लेकिन एसडीएम को विगत कई कारनामों की खबरों को दिखाने के कारण उनकी कुंठित मनसा भड़क उठी और उन्होंने चेतावनी दे डाली, जिसे आपने सुना भी है। क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? मैं क्यों बताऊंगा तुमको कि क्या होता है क्या नहीं होता है? एडवोकेट से पूछो जाके। मना कर दीजिए कि मैं नहीं बताऊंगा। नहीं तो बकवास क्यों कर रहे हो इतनी देर से? रखो फोन। अरे बाप रखो फोन। हाँ क्यों रखे फोन? नहीं समझना कि मैं क्यों 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 रखे फोन? तुम एक तो धमकी दे रहे हो, सुनो तुम धमकी दे रहे हो मेरे को और तुम बोल। हाँ मैं कोई सहायता लेने थोड़ी आया हूँ आपके पास। नहीं तो क्या अब तुम मेरा क्यों फोन लगाया बताओ? नहीं मैं अधिकारी हूँ, सुनो अधिकारी हूँ, तुम्हारे ज्ञान बांटने के लिए नहीं अधिकारी हूँ, अपने कर्तव्य करने के निर्वाहन के लिए अधिकारी हूँ। क्या उसका जब बयान हुआ है कि नहीं हुआ है? बयान हुआ तो क्या, पुलिस से पूछो, पुलिस से पूछो। तुम बकवास सुनो, बकवास अपने सुनो, तुम बकवास दिखा। तो आपको यहाँ पर एक और बात बतानी जरूरी है, रीवा जिले का कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा नहीं है जहाँ गंभीर चोट होने पर चिकित्सक संजय गांधी अस्पताल करना करते हूं या ये कहें कि बड़ा मामला आते ही रेफर के कागज बना दिए जाते हैं। लेकिन विधायक के चहेते एसडीएम की मौजूदगी में जनपद पंचायत के सीईओ जिन्हें मरणासन्न हालत में छोड़ा गया था, उन्हें रीवा भेजने की बजाय सिरमौर का बीएमओ 8 घंटे से अधिक सिरमौर में भर्ती कर रखा रहा। इसी बात का आरोप कांग्रेसी नेताओं और आप पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा लगाए भी गए थे। कहा गया था कि एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री नहीं चाहते थे कि तुरंत मामले में एफआईआर दर्ज हो जाए। यह मामला रीवा पहुंचे जबकि चाहिए यह था कि ऐसे गंभीर मामले में सीईओ को तुरंत बेहतर उपचार के लिए अच्छे से अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया जाता, लेकिन एसडीएम की मौजूदगी में यह ना कराया गया, ना स्पष्ट संकेत दिया गया। एसडीएम के कारनामों से लग तो यह रहा था कि एसडीएम चाह रहे थे कि जनपद सीईओ आरोपियों के नाम का खुलासा न करें, मामला रफा दफा हो जाए, जिसके चलते विधायक के चहेते एसडीएम को मिर्ची लगी और वो भड़क उठे। ऐसा नहीं है कि एसडीएम नीलमणि के द्वारा की गई अभद्रता पहली बार की गई है। रीवा में पदस्थ रहते भी अक्सर पीड़ितों के साथ उनका यही व्यवहार रहा है, जिसके चलते यहां से हटाकर सिरमौर पदस्थ किया गया, जहां लंबे समय से अंगद के पांव की तरह विधायक के संरक्षण में एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री जमे हुए हैं। अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञाता और तानाशाह समझने वाले एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री ही हैं। इनके इन्हीं कारनामों को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्षेत्र के पीड़ित लोगों ने किस तरह के एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए इनकी राजनीतिक साठगांठ और परिवारवाद का पर्दाफाश किया है। हुआ है क्या गलत हुआ है? हुआ कि राजस्व विभाग सेमरिया तहसील से हमारा 1/4 हिस्सा नहीं मिल पाया देवरी में। कितनी जमीन है, किस तरह से हड़प ली गई? हमारे पास 5-6 मौजे में जमीन है तो और में 1/4 मिल पाई है। इसमें देवरी और चकदही बेहना में अभी 1/4 नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पा रही है? एसडीएम नीलमणि के कारण।
क्या रोल है नीलमणि अग्निहोत्री का, किस तरह से क्या करते हैं? तीन साल की अपील है और बटन 12 है, आज तक उसका निराकरण नहीं हो पाया, ना हमको न्याय मिल पाया। जानकारी मिली कि उनका यहाँ रिश्तेदारी है, यहाँ परिवार है, वो परिवार ही है आपके लोगों के नीलमणि अग्निहोत्री? कैसे परिवार है, क्या रिश्ता है आप लोगों के और आपके विरोधियों से जो जमीन नहीं मिल रही? उनका रिश्तेदारी है, उनके घर में आते जाते हैं, खाना खाते हैं। परिवार है क्या उनका? हाँ, उनके सगे रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार का पक्ष लेकर आपको इसीलिए न्याय नहीं मिल पा रहा, तीन साल से भटक रहे हैं? तीन साल से हम भटक रहे हैं। तो कहीं शिकायत नहीं की वरिष्ठ अधिकारियों से, क्योंकि एसडीएम का गांव है, उनका परिवार है यहाँ बता रहे हैं? कलेक्ट्रेट में काम कराने के लिए और कमिश्नर के पास शिकायत किया, पर आज तक न्याय नहीं मिल पाया। आपका क्या नाम है और किनके यहाँ रिश्तेदारी है नीलमणि अग्निहोत्री एसडीएम की? जयराम अग्निहोत्री। वो रिश्तेदार है, कैसा रिश्ता है उनका? रिश्ता उनके जहाँ बहन ब्याही है वहीं उनकी भी बहन ब्याही है, उस कारण से आपको न्याय नहीं मिल पा रहा, आपकी जमीन चली गई। हाँ, तो कब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप? ये लड़ाई हम तीन साल से लड़ रहे हैं। तो किसका दबाव है, क्या विधायक उधायक का भी सारी? हाँ, इसमें विधायक का भी, विधायक से भी बताया पर उनने सुना नहीं हमारे। तो जो अग्निहोत्री जी हैं आपके परिवार वाले, वो तो बीजेपी के नेता भी हैं। हाँ, उनको गले लगाते हैं जबकि उनका आपराधिक प्रकरण कई जगह दर्ज है। किसका? जयराम अग्निहोत्री और राजकिशोर अग्निहोत्री। तो नीलमणि अग्निहोत्री भी गले लगाते हैं इनको? हाँ, गले लगाते हैं। आना जाना है? हाँ, आना जाना। तब से आप भटक रहे इसी कारण? भटक रहे। अब क्या चाहते हैं आप? कि हमें न्याय मिले, हमारा 1/4 हिस्सा मिले। क्या नीलमणि अग्निहोत्री का भी यहाँ जमीन बनाया है, उनके भी हिस्से की कुछ जमीने हैं यहाँ, ऐसा जल रहा है उनका भी कुछ है यहाँ? यहाँ उनके हिस्से की तो जमीन नहीं है, परिवार है। परिवार है, खरीदा है कुछ कहते हैं लोग? हाँ, यहाँ देवरी में कुछ जगह है, कुछ नंबरों में नीलमणि अग्निहोत्री की भी ज़मीनें हैं। हाँ, तो अभी खरीदा है कि पुश्तैनी ज़मीन है उनकी? अभी वो ज़मीन। क्या नाम है आपका? राम शकर शुक्ला नाम मेरा। शुक्ला जी, किस तरह से यहाँ ये ज़मीन का भी अग्निहोत्री परिवार है जिनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा, तो किस तरह से आतंक है, किसके कारण है और क्यों नहीं मिल पा रहा है इनको? देखिए, जब से यहाँ पर नीलमणि अग्निहोत्री जी आए तो कितनी ज़मीनों में फर्जी इस्तलाबी होना, फर्जी नक्शा तरमीम होना, फर्जी सीमांकन करवाना, फर्जी ज़बरदस्ती गुंडई के ताकत पर वहाँ कब्जा करवा देना, ज़बरदस्ती उसको चोरी छिपे बिक्री करवाने, यहाँ पर नाजायज कब्जा करवाना, ये उनका पेशा है। नीलमणि अग्निहोत्री जी का देखिए पूरा परिवार है यहाँ का, यहाँ पर न मालूम कितनी अराजियों में उनका 50% का पार्टनरी है, जो संपत्ति यहाँ बिक्री की जाएगी उसमें आधा उनको हिस्सा मिलेगा। अगर काश्तकार अगर अपनी न्याय के लिए गुहार लगाए तो वहाँ पर पुलिस को भेजने की और बाही समेटने की धमकी दी जाती है एसडीएम के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा। मैंने कमिश्नर साहब का एक आदेश लेके आया, वहाँ से हमारी ज़मीन पर ये आदेश फर्जी कर रहे थे, मैंने निवेदन किया, ये सिर्फ वहाँ से यहाँ से ड्यूटी पे आते थे सिर्फ एक ही फाइल देखते थे जो इनके परिवार का फर्जी पट्टा बनवाया गया है। मैं वहाँ से वहाँ का आदेश लेके आया, एसडीएम साहब ने उस आदेश को नहीं लिया, हमको बाएं समेट के और पुलिस की धमकी देने लगे कि यह फर्जी आदेश है, और कमिश्नर साहब को अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि यह सब फर्जी है, अभी मैं पुलिस बुला के तेरे को अंदर करवाता हूँ, और बाएं समेट के हमको गाली फुद्दी देके हमको मारने की धमकी देने लगे। अगर ये हमारी जवान अगर झूठ है तो सीसीटीवी कैमरे में वहाँ पर पूरा निकलवा लिया जाए उस डेट की, 1.25 घंटा तक कमिश्नर साहब को उन्होंने क्या क्या कहा और हमको क्या क्या कहा उन्होंने। तो इनका यहाँ सिरमौर में एसडीएम है जी, ये सिरमौर क्षेत्र में आता है, सिमरिया एसडीएम वही है जी। कैसे उनकी पदस्थापना कैसे यहाँ करवा लिया? यहाँ पर वो कैसे जुगाड़ से राजनैतिक नेताओं के स्तर से यहाँ पर आके अपना संरक्षण बनाया उन्होंने, जबकि ये गाँव उनका पूरा परिवार है। यहाँ पर जितना सारा कार्य हुआ है तो उनके परिवार के थ्रू हुआ है, मतलब जितना सारा आतंक होता है उनका परिवार करता है। राजकिशोर हो गए, जयराम भाई हो गए, राकेश जी हो गए, ये तो उनका संपत्तियां भी यहाँ बनाई है। वो जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन की भूमि का जो पट्टा करवाया गया है उसका फर्जी नक्शा तरमीम भी उन्होंने किया है। अभी हम आपको दिखाते हैं, तीन प्रकार का नक्शा तरमीम दिखाएंगे आपको। यहाँ हमारा जो मैंने 10 एकड़ जमीन यहाँ पर खरीदा है 2009-10 में, और हमारी रजिस्ट्री है, पट्टा है, उस जमीन में फर्जी हमारे पीछे कुछ शासकीय भूमि थी समिति की, उसका पट्टा राजकिशोर अग्निहोत्री के नाम हो गया, और पट्टा करवाने के बाद नीलमणि अग्निहोत्री उसमें फर्जी नक्शा तरमीम कर दिए। अब उसमें पुलिस बुला के नाजायज कब्जा करवाना, धमकी देना, और उसमें उनका 50% का पार्टनर है, जब वो जमीन चोरी चोरी बेचेंगे तो उसमें आधा उनको हिस्सा मिलेगा नीलमणि अग्निहोत्री को।
कुल मिलाकर जो भूमाफिया सक्रिय है नीलमणि अग्निहोत्री जी के समर्थन है, उनके परिवार के, जितना भी यहाँ पर आतंक हो रहा है, आराजी नंबर 43 को ले लीजिए आप, 5.5 एकड़ भूमि वहाँ पर नीलमणि अग्निहोत्री उस फाइल को दबा के रखे हैं कि हमारा परिवार इसमें कब्जा कर लिया, उसको कब्जा करवा दिए पूरी जमीन में। अराजी नंबर 64 की देख लीजिए, यहाँ पर पीछे वहाँ पर पूरा कब्जा करवा दिए। ये अराजी नंबर 10, यहाँ पर कभी मतलब पता कर लिया जाए कि अग्निहोत्री परिवार का कभी कुछ भी कभी रहा हो, ये 100-100 साल के आदमी बुजुर्ग हैं, लोगों से पूछ लिया जाए कभी इनका लोगों का कभी यहाँ कुछ क्षेत्र में रहा हो, उनके सगे परिवार हैं ये, इन्हें बताएंगे कि मतलब क्या यहाँ पर इन लोगों की कभी जमीन थी, यहाँ पर कभी जीवन में नहीं थी। ये फाइल कलेक्टर साहब के यहाँ पट्टा निरस्त करने के लिए भी हमने आवेदन किया है, कमिश्नर साहब के यहाँ मैंने फाइल ट्रांसफर करवाया है, जिसमें SDM नीलमणि अग्निहोत्री जबरदस्ती आदेश कर रहे थे यहाँ पर, जब वो आ रहे आज हम आदेश लाए थे कमिश्नर साहब का, तो वो गुंडाई के ताकत पर बोल रहे थे जस्ट, तू कमिश्नर को बता दे जो बताना हो, हम इसका आदेश करेंगे करेंगे करेंगे, जो मेरी शिकायत करना कर दे जा। कुल मिलाकर यहाँ पदस्थापना करवाने का उद्देश्य है कि अपने परिवार लोगों को उपेक्षित करना, जितना बड़ा आतंक SDM साहब नीलमणि अग्निहोत्री जी किए, दूसरा व्यक्ति होता अधिकारी यहाँ पर कभी न टिकता, यहाँ से भाग जाता, लेकिन वो सिर्फ अरबपति बनने के लिए यहाँ पर टिके हुए हैं। निश्चित है कि विधायक मंत्री ने इनके, वो तो देखिए राजनीतिक संरक्षण तो उनको इतना बड़ा प्राप्त है, बताइए हम गरीब आदमी को पकड़ाने के लिए हमारे यहाँ एक बोरी गांजा भेज दिए 12:00 बजे, और मतलब अगर उस वक्त हो सकता है मैं ना होता तो हम उस समय हमें जेल भेज दिया जाता। हमारे यहाँ हरिजन आदिवासियों की 5-5, 6-6 लेडीजें हमारे दरवाजे में लेटरिन बैठाई जाती कि मैं कुछ भी बोलूं तुम्हारे ऊपर हरिजन एक्ट और 376 का मुकदमा लग जाए। बताइए हम अकेले आदमी यहाँ जंगल में रहते हैं, हमारे यहाँ 5-5, 6-6 आदमी मुंह बांध कर लाठी डंडे लेकर 12:00, 1-1 बजे रात आते हैं, हम बताइए अकेले आदमी क्या कर सकते हैं। सिर्फ नीलमणि अग्निहोत्री जी का संरक्षण है ये, और राजनैतिक संरक्षण है ये, और राजकिशोर भाई अग्निहोत्री जी का संरक्षण है ये। सीधा है हमारे पास 10 एकड़ की रजिस्ट्री है, पट्टा है, 10 नंबर अराजी नंबर 10/2, दीनदयाल त्रिपाठी जिसे मैंने लिया, उनकी भी जमीन खरीदी हुई है, कोई शासकीय पट्टा नहीं है उनका, वो खरीदी हुई भूमि है। तो हमारी जमीन का 10 एकड़ का नक्शा तरमीम था, रोड छोड़कर 10 एकड़ जमीन थी, तो ये राजकिशोर अग्निहोत्री हमारी जमीन को नक्शे में कम करवा के नीलमणि अग्निहोत्री के संरक्षण में और हमारी जमीन कम करवा दी गई, और उसके बाद वह 2.5 एकड़ का 10 नंबर में पट्टा करवाया, 2.5 एकड़ का 8 नंबर में पट्टा करवाया, और धांधलेबाजी करके इसको समिति से जमीन बंधक करवाया, बैंक से लोन ले लिया, और नीलमणि अग्निहोत्री के संरक्षण में चोरी छिपे उसको बिक्री कर रहा है, आधा पैसा नीलमणि को पाना है, आधा राजकिशोर अग्निहोत्री को पाना है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है। 100 साल का बुजुर्ग से पूछिए कि राजकिशोर अग्निहोत्री की यहाँ पर कुछ भी है, राजकिशोर की नहीं उसके कोई परिवार की कहीं एक डिसमिल जमीन भी अगर हाँ यहाँ पर हो। बर्ताव क्या रहता है अग्निहोत्री नीलमणि का? नीलमणि अग्निहोत्री का रहता है सीधे पुलिस बुलाना, KP त्रिपाठी के संरक्षण में बात करना, बाही समेटना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली देना, किसी साधारण आदमी को गांजा और दारू पीने का आरोप लगाना, ये उसका संरक्षण है। मैं गरीब आदमी हूँ, अरे चिहुटा दबाने से पानी निकलता खून नहीं निकलता, मेरे यहाँ गांजा भेजवाते हैं, ये नीलमणि अग्निहोत्री का संरक्षण है। राजकिशोर अग्निहोत्री ने एक बोरी गांजा भेजा, वो नीलमणि अग्निहोत्री का संरक्षण था। प्रसाद बताइए यहाँ कैसे अग्निहोत्री परिवार का कुछ संपत्तियाँ थी पहले पुरानी? नहीं आता है बहन, तो अब कैसे हो गई पट्टे कैसे हो गए? दंड फंद माँ, दंड को कर रहा है दंड फंद, अब ये राजकिशोर है जयराम है कराए, हम कराओ। तो ये SDM तहसील से इनको कैसे मिल रहा है सब ये भाई? जब पूजे हैं अब तक दही माँ हम 500 घर, लेकिन यहाँ कोई अग्निहोत्रियों की कोई संपत्ति नहीं थी पहले, ये सब अभी 2-3 साल में फर्जी बनवा लिए। देवरी में नहीं आए हैं, देवरी मुंह है बाकी है रबिगन है कैर है बनवा देवरी में कुछ सिंगौर माँ अभी है नहीं आए तो हम कभी नहीं देखा इनको, हमारी 60-65 साल की उम्र है। तो अब कैसे हो गई यहाँ? हम कभी हमको बुजुर्ग आदमी हम जानते नहीं कैसे हो गई कैसे नहीं हो गई। अब तो जमीन पता चला कि अग्निहोत्री के पास जमीन, पता चला कि अजराज किशोर अग्निहोत्री की जमीन है, पर यहाँ हम देखा नहीं कभी यहाँ। वो सरकारी जमीन हुआ करती थी पहले? यह सरकारी जमीन देखा सब दिना उपयोग किए होंगे कि सरकारी जमीन पड़ी समिति की जमीन है, लेकिन आज तक हम देखा नहीं कि राजकिशोर की जमीन है। तो कब से कब्जा कर लिया यहाँ? यह हमको मालूम नहीं कब तक, मजदूरी है आदमी, अब यह हमको कहीं गए नहीं। तो अभी उपयोग कौन कर रहा है उस जमीन को? अभी तो बगल में नबुआ है सुकुल जी है अभी उपयोग कर रहे हैं राजा उनकी अग्निहोत्री परिवार की। लोग चढ़ाई की है पर साल तो भगा दिए, इतना मैं देखा। कौन भगा दिया?
सुकुल लोग नहीं जोते ने बोधने दिए अग्निहोत्री लोगों को आए थे वो कब्जा करने वो ट्रैक्टर लेके आए थे चार पांच थे अच्छा मतलब पुराने ये कब्जेधारी है लेकिन उस पे कब्जा करना चाह रहे होंगे अग्निहोत्री लोग घनश्याम शुक्ला शुक्ला जी कैसा है ये नीलमणि अग्निहोत्री जी का यहाँ गांव परिवार है कैसा बर्ताव रहता है उनका लोगों के साथ और... वैसे तो मैंने उनका जो कार्य प्रणाली उनकी देखी और मिलने का तरीका तो वो किसी को बोलने नहीं देते हैं वो अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास कोई समस्या लेके जाता है तो उसको बोलते हैं चुप रहो मैं बोलता हूँ जो बोलना है। एक दिन ऐसा मैं भी गया तो मैंने रिकॉर्डिंग की वो गलती थी मेरी कोर्ट के अंदर तो उन्होंने कहा मोबाइल लाओ तो मैं बोला ये लीजिए कई मोबाइल तुम कैसे लिख लिए तो मैं बोला सर हो गया ठीक है अगर मैंने गलती की है आप उस पर एक्शन करो आपको जो भी करना है मैं उसमें कोई रो रहा नहीं बन कहीं नहीं मैं वो एक ऐसे भविष्य वक्ता बने हुए हैं तुम गांजा पीते हो और दसवीं फेल हो यही उनका सीधा बर्ताव था कि तुम गांजा पिए हो बस तो हम कहें सर मैं ये गांजा वांजा नहीं पीता और दसवीं फेल का इसमें लिखित स्टाम्प में दे सकता हूँ कि तुमने दसवीं फेल तो मैं बोला सर आप मैं पढ़ा हूँ कॉलेज किया हूँ नहीं नहीं पक्का है मैं ये इस बात को लिखित और ये कोर्ट रूम में वहाँ पे वकील भी खड़े थे कई सारे वकील खड़े थे पर उसमें उनके ही द्वारा जो भी बातचीत की जा रही थी और माननीय तहसीलदार साहब भी बाजू में उनके बैठे थे उनके द्वारा कोई ऐसी बात नहीं की गई तो लेकिन मिलाकर क्षेत्र के लोगों में दहशत हाँ दबंगई दिखाना दबंगई शब्दों का प्रयोग कर बहुत अब शब्दों का प्रयोग किया गया यहाँ कैसा है इस क्षेत्र में उनका क्या रोल है चकदही से चकदही से रोल ये है कि यहाँ पे फर्जी पट्टा करवा दिया सरकारी जमीन का अपने परिवार के लोगों का है ना और उसमें फिर केसीसी भी बनी हुई है 8/1 में और 10/1 में एक एक हेक्टेयर जमीन दोनों एक व्यक्ति के नाम पे ली गई है जो बताया गया है कि व्यवस्थापन पूर्व में 1970 के दशक में जो हुआ था तो उसके पूर्व में हमारी जमीन थी वो सीलिंग में ऐसा हो गया वो पुराना रिकॉर्ड लगवा के फर्जी तरीके से और ये इन लोगों ने यहाँ पे पट्टा करवा लिया है। किसका संरक्षण है इनको इसमें इनका स्वयं एसडीएम साहब का संरक्षण है और एसडीएम साहब को किसका संरक्षण है एसडीएम साहब को विधायक जी का है ना मंत्री जी का जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं उनका संरक्षण है ना छोटी छोटी बात प्रमोद जी जनपद सीओ सिरमौर के ऊपर हमला हुआ जी उनका उपचार 6-7 घंटे सिरमौर में चलता रहा क्या लगता है जिस तरह से प्रशासन ने लापरवाही बरती और आप जब पहुंचे वहां तब उनको अस्पताल लाया गया क्या निर्मल अग्निहोत्री जो एसडीएम है उनका और प्रशासन कितना रोल है इसमें किस तरह का रोल है इसमें जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला हुआ तो पहले तो ये बता दूं आपको मैं कि जिस प्रकार की बातें भी आ रही हैं कि लगातार उस दिन उस घटना के दौरान विधायक सिमरिया और एसडीएम के जो है बार उसी समय पे जो है 19 बार का जिस प्रकार से पेपर के माध्यम मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है प्रशासन जो बता रहा है 19 बार बात होना फिर सीओ के बारे में बताना कि हमको बोला गया कि वहाँ जाने के लिए तो जिसमें एसडीएम के द्वारा जो बताया गया कि वहाँ पर आपका कार्यक्रम है वहाँ पर जाना आपको इसमें मीटिंग में अटेंड करना है मीटिंग अटेंड हो रही थी इस प्रकार और उसके बाद जिस प्रकार मैं शाम को गया हूँ और उसके बाद जिस देखने का मौका मेरे को मिला है कि वहाँ पर जब पहुँचा मैं शाम को जब जानकारी मुझे ये हो रही थी कि उनको यहाँ लाया जाएगा लेकिन जब वहाँ रोका गया उसी समय जब मैं पहुँचा शाम को 7 बजे करीब तो वहाँ प्रशासन और पुलिस व्यवस्था एसडीएम स्वयं नीलमणि अग्निहोत्री जी वहाँ पर मौजूद थे और ये प्रयास देखा जा रहा था कि वहाँ पर जो है उनका बयान दर्ज करके तत्काल उनको यहाँ पर एडमिट करना चाहिए लेकिन जिस प्रकार से मुझे प्रयास करना पड़ा स्वयं और सारे जो मेरे साथ के और भी राजनीतिक लोग थे उन्होंने प्रयास किया और जिस प्रकार और उसी समय जो है हम लोगों ने यहाँ पर रात को जो है लाकर एडमिट किया और अब किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ पर जो है और वहाँ पर जो बयान होने चाहिए जो लास्ट में बयान जो है किसी जी राजपत्र अधिकारी के एसडीएम के होने चाहिए थे वो बयान नहीं होना जिसमें कहा जा रहा है कि अब पुलिस खुद सक्षम है मेरा कलेक्टर साहब से मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने बताया ये बात और अब नहीं मिलने देना इसका मतलब ये है कि इसमें पुलिस व्यवस्था के साथ में प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री जी को अपना ये स्पष्ट करना होगा कि आखिर उस दिन तक कोई बात नहीं हुई लेकिन उसी समय पे 19 बार लगातार क्यों ये बात होती रही लगातार फ़ोन पे 19 बार क्या बात हुई उस विषय में ये बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है नीलमणि अग्निहोत्री जी से पूछना चाहिए और ये ऊपर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ये बात मानी है और इसी कारण बोला जा रहा है कि शायद हो सकता है कि नीलमणि अग्निहोत्री यहाँ से कहीं बाहर शिफ्ट हों क्या ये प्रायोजित था हमला पहले से प्रायोजित था नीलमणि अग्निहोत्री उनको मीटिंग के लिए भेजते हैं हमला होता है 6 घंटे सिरमौर में रखा जाता है सवाल पूछने पर भड़कते हैं तो क्या उनको लग रहा है कि खुलासा ना हो जाए ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि ये जो कार्यक्रम है ये मारपीट का उनका जानलेवा हमला ये एकदम सुनिश्चित था तभी हम 120 बी की मांग कर रहे हैं विधायक सिमरिया के ऊपर और जिस प्रकार से पहले तो मैं उस दिन मुलाकात किया नीलमणि अग्निहोत्री जी से तो बहुत हंसफल के बात हो रही थी ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई थी लेकिन लगातार 19 बार कॉल का बात होना विधायक से
और तो ये जानकारी देती है कि इसमें जो है और जो बातें हो रही थी वहाँ पर, जो इशारे हो रहे थे, जो बातें बातचीत में हंसी मजाक जो हो रहा था और इतना सेंसिटिव मामला था, तो इससे ये लगता है कि ये जो है इनको जानकारी वहाँ पर गए जब मारपीट हुई उनको भेजने के लिए, जब बोला जो सीओ साहब का भी कथन है कि हम जो वहाँ पर गए निश्चित तौर पर ये सुनियोजित ये प्रायोजित कार्यक्रम था कि बोलने के बाद ही उनको फ़ोन आया कि वहाँ पर मीटिंग है, मीटिंग पर जाना है, और वो मीटिंग पर गए और ये घटना घट गई। बिल्कुल जाँच होनी चाहिए, जाँच इस हद तक होनी चाहिए कि मैं तो बोल रहा हूँ कॉल डिटेल पूरा निकालना चाहिए कि क्यों बात उस समय हो रही थी, या पहले भी रोज़ रोज़ बातें होती थी कि क्या SDM या थाना प्रभारी या और भी जो लोग हैं, क्या इस पे जैसे पहले मेरे साथ घटना हुई थी तब भी मैंने जांच की मांग की थी, उस समय मेरे सामने जो है DD पांडे के द्वारा जो सामने खड़े थे, मेरे साथ हमला हो रहा था तब भी मैंने मांग जांच की थी कि विधायक और इनके बीच में बातचीत हो रही है, अपराधियों की बातचीत हो रही है, तो ये खुलासा होना चाहिए। और इस बात के लिए चाहे नीलमणि अग्निहोत्री हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे SP साहब की बात हो, या कोई मंत्री मिनिस्टर की बात हो, जिस पे शंका हो रही है उसको साफ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बात का माहौल व्याप्त हो चुका है, एक विधायक के ऊपर CO के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप है, CO खुद कह रहा है कि हमको विधायक से खतरा है, ऐसे में क्या मानते हैं आपकी जंगल राज कायम हो चुका है? जंगल राज एक दिन का जंगल राज नहीं है, ये यहाँ का जो प्रशासन तंत्र है मुख्य रूप से कलेक्टर और SP इनकी नेग्लिजेंसी है। राजेंद्र शुक्ला जी जो हमारे यहाँ के सम्मानित विधायक जी हैं, उनको अपराधी पालने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने एक अपराधी को टिकट देके सिमरिया में एक अपराध राजकर का एक शूटर अपने समझ में कायम किया है। और आज आप देख लीजिए भाजपा के जितने पदाधिकारी हैं या मनीष शुक्ला लोग जो ये मुजरिम हैं, ये सब रीवा के जाने माने हिस्ट्री सीटर हैं, एक तरह के यहाँ के शूटर हैं और ये पदाधिकारी बने हुए हैं। रामचंद्र को जब मारा गया जनपद में घसीट घसीट के, रामचंद्र बाबू को, प्रदीप दुबे को मुर्गा बनाया गया रीवा जनपद में, हरीश चंद्र को जब मारा गया यहाँ रीवा जनपद में, कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई सुनवाई हुई क्या? इसके बाद आपके रामानंद पत्रकार पर हमला होता है, प्रमोद शर्मा में हमला होता है, समदरिया वो जो सनी समदरिया पर हमला होता है, इसके बाद शराब दुकान पर हमला होता है, और आपने हर हमले में देखा होगा आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा काउंटर केस, और उल्टा काउंटर केस में उनके ऊपर उल्टा केस, और आज और ये जैसे हमारे SP साहब, हमने कहा, मैंने माना कि आप ईमानदार हैं, गलत काम नहीं करते, लेकिन आपकी ईमानदारी का क्या फ़ायदा, जब से आप आए हैं तब से इतनी चीज़ें आपके सामने हैं, और इसी का परिणाम है कि आज हौसला बढ़ा है तो आज CO पे ये हमला हुआ। CO बार बार चिल्ला के कह रहा है कि हमको विधायक से जान का खतरा है, हमारे साथ बातचीत के बाद हमारे ऊपर हमला करवाया गया। सीधे क्यों नहीं कहेगा? सुबह दो घंटे 3 घंटे पहले वो धमकी दे रहा, 3 घंटे के अंदर वो हो रहा, और वहाँ का सबसे बड़ा अपराधी रीवा में बैठा है नीलमणि अग्निहोत्री SDM, जो इनसे बड़ा अपराधी और पूरा अपराध की जड़ में सदस्य पकड़ना उसका काम, गुंडागर्दी करना उनका काम, तमाम तरह के अपराधों में मिलीभगत होना उनका काम, वो CO से रिपोर्ट नहीं लिखाने दिए, उसके विधायक के भाई का नाम नहीं लिखाने दिए, बहुत सारे लोगों के ये जानबूझ के भेजे, वो नहीं जा रहा था बेचारा कि हमारे साथ मारपीट होगी, जान का खतरा होगा, ये षड्यंत्र हो गई, तब षड्यंत्र में SDM शामिल थे, जानबूझ के भेज के मरवाया, रिपोर्ट नहीं होने दी। आज प्रशासन की स्थिति ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा, ना कलेक्टर कोई कार्रवाई करेंगे, आप देखिए कि केवल विधायकों का गलत सही सब करना और बाकी इनकी लूटपाट। इस समय रीवा को पूरा जंगल राज बना के रख दिया है, सिमरिया हमारे अपराध के उसमें झोंक दिया गया है, एक अपराधी विधायक के द्वारा पूरी सिमरिया हमारी जल रही है, और अब हम लोग सड़क पर उतर आए हैं, अब इसके मुक्ति की लड़ाई हम लोगों को लड़नी ही पड़ेगी। आप ध्यान रखिएगा, अभी तो ये CO पे हुआ, अगर ये पहले कहीं कार्रवाई करे होते तो इतने हौसले नहीं बढ़ते, अब जब इनके पुलिस के अधिकारियों के ऊपर वही विधायक द्वारा और हौसला अफजाई करके हमला होगा, कल और होगा। ये रीवा को ये किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या ये बिहार बनाना चाह रहे हैं? हम बिहार थोड़ी बनने देंगे रीवा। आप लोग मिले थे SP साहब से, क्या विधायक जी के ऊपर भी मामला दर्ज होगा? क्यों नहीं होगा, जब वो वीडियो में सीधे धमकी है, 3 घंटे के अंदर वो है, और उनके पदाधिकारी सीधे वो नाम जब रिपोर्ट करते हैं तो 120B काहे के लिए बनी? SIT जांच काहे के लिए बनती है? SIT जांच कब होगा? तो जन आंदोलन होगा पूरे जिले में, पूरे जिले में जन आंदोलन। यदि नहीं होता तो कब तक आप लोग? हम लोग अभी मुश्किल से 5 दिन के अंदर सिरमौर का घेराव करेंगे और पूरी लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। हमें मालूम है रीवा में क्या हो रहा है। रीवा में ये है कि अगर रीवा को बिहार बनने से बचाना है और हम लोगों को बाल बच्चे के साथ अगर जीना है तो आर पार की अब लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़नी पड़ेगी, और हम लोग इस लड़ाई को अब जारी रखेंगे, जो होगा देखा जाएगा।
भाई साहब, ये सिरमौर में नीलमणि अग्निहोत्री एसडीएम है आपके पास, भी कई तरह के मामले आते रहते हैं, कैसा इनका बर्ताव होता है, कैसे इनके फैसले होते हैं, और आपने भी कई बार बात किया होगा, कैसा है इनका बर्ताव और क्या कारण, कैसा सत्ता के दबाव में काम करते हैं? देखिए, ये तो बात सत्य है कि जो नीलमणि अग्निहोत्री है एसडीएम, इनको सफ़ेद पोषों का बड़ा ज़बरदस्त संरक्षण प्राप्त है और उनके इशारे पर ये सारे काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 2017 से लगातार ये रीवा में पदस्थ हैं, रीवा से सिरमौर, सिरमौर से रीवा। उस दौरान जितने भी इनमें इनके जो फैसले हैं न्यायालय के, वो अधिकतर फैसले विवादित हैं, जिनको लेकर के जो पीड़ित पक्ष हैं उन लोगों ने तमाम शिकायतें किया, न्याय की गुहार लगाया, उन फैसलों में क्या कमियां थी, क्या इन्होंने गड़बड़ी किया, और विपक्षी के प्रभाव में आकर जो जिस तरह से इन्होंने जजमेंट पारित किया है उसको लेकर के तमाम शिकायतें हुई हैं। लेकिन सारी शिकायतें दफन हो गई हैं और यहाँ से लेकर के भोपाल तक ये जो रीवा में सफ़ेदपोश सत्ता के लोग बैठे हैं, इनका ज़बरदस्त संरक्षण है। मेरा तो आरोप है कि जो सिमरिया के जो विधायक हैं केपी त्रिपाठी, उनके इनके गहरे संबंध हैं और जो हमें जानकारी हुई, शायद ये क्लास फेलो भी रह चुके हैं, तो यहाँ से लेकर और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनका भी लगातार इनको संरक्षण है। और जिस तरह से रीवा में घटनाएं हो रही हैं, सिमरिया क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं, आपने देखा कि अभी बीएमओ सिरमौर के साथ इन्होंने जब अभद्रता किया, उसको लेकर के तमाम जो है जो यहाँ के सामाजिक संगठन हैं, विपक्षी दल के लोग हैं और जो चिकित्सक हैं, यूनियन के लोग हैं उनके, उन सारे लोगों ने विरोध जताया और तमाम उन्होंने ये तक कहा कि हम तालाबंदी करेंगे, विरोध करेंगे यदि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा अभद्र एसडीएम है, ऐसे आरोप जो है लोगों ने लगाया। इसके बाद भी सारी जांच दफन कर दी गई, सारी कार्रवाई दफन कर दी गई और सफ़ेदपोशों के दबाव पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आपने देखा अभी तत्कालीन जो घटनाक्रम हुआ सीएमओ सिरमौर के ऊपर, उसको लेकर के वो उनके ऊपर जब घटना होती है तो 5-6 घंटे वो पड़े रहते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि एक दंडाधिकारी हैं, एसडीएम हैं उस तहसील मुख्यालय के उस क्षेत्र के, तो में उनको हॉस्पिटल लाया गया। इसके पूर्व इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई कि उनका जो है मृत्यु के पूर्व उनका कथन लिया जाए। और ऐसी घटनाएँ तमाम सिरमौर क्षेत्र में हो चुकी हैं कि जिन पर लापरवाही बरती गई है और बाद में उनकी मौत हो चुकी है। तो आज वो सुरक्षित हैं सीमो साहब, हम जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन इन्होंने जो लापरवाही किया है उसके खिलाफ भी इन कार्रवाई बनती है और ये लगातार संरक्षण दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये सारे घटनाक्रमों में इनका भी कहीं ना कहीं हाथ है, जिस तरह से इनके क्रियाकलाप हैं। और यदि इनके क्रियाकलाप अच्छे होते तो ये तत्काल जो है उनका उपचार कराते और उनके बयान दर्ज कराते। तो इस तरह से जो भी घटनाक्रम है और ये इनका जो मिलने जुलने का तरीका है लोगों से, चाहे वो वकील जाए मिलने, चाहे सामाजिक लोग जाएं या पक्षकार जाएं, तो इनका जो मिलने का तरीका है ये बड़ा अभद्र है। मैं तो कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से एक पिछले वर्ष ज्ञापन का कार्यक्रम था सिरमौर के अंदर, ये वहाँ पर पदस्थ है। हमारे साथियों ने जब इनको इनके पास मैसेज लेकर के गए कि आपको ज्ञापन लेना है, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने दूसरे अधिकारी को भेजने का काम किया। मतलब ये इतना अभद्र आदमी है कि कोई यदि एसडीएम को ज्ञापन देने जा रहा है, कोई कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दे रहा है, तो उसकी एक मंशा होती है कि हम जिस व्यक्ति के नाम ज्ञापन बनाते हैं उस व्यक्ति से अपनी पीड़ा बताएं, पीड़ा सुनाएं और शीघ्र निराकरण की बात करें। लेकिन पूरी तरह से संरक्षण है। और जहाँ सीएमओ साहब की घटना का मामला है, उसमें तो मेरा सीधा आरोप है कि जब सीएमओ साहब के साथ घटना हुई, उस घटना के बाद भोपाल से मीडिया के समाचार आए कि भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है वो केपी त्रिपाठी को तलब कर लिया है और बड़ी कार्रवाई करेगा। तो उसी दिन हमें ये स्पष्ट हो गया था कि चाहे वो सीएम साहब हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे जो भी मंत्री हों मध्य प्रदेश सरकार के, वो सारे लोग केपी त्रिपाठी को बचाने का काम किए और सीएमओ साहब के साथ जो भी घटना हुई और उस घटनाक्रम का जो वीडियो वायरल हुआ घटना के पूर्व का, इससे स्पष्ट होता है कि पूरी सरकार जो है जो केपी त्रिपाठी को बचाने में लगी है। और कहीं ना कहीं
जिस तरह से सीएमओ इनका जो एसडीएम साहब का जो कृत्य है, कहीं ना कहीं ये भी इन घटनाओं में तमाम इन्वॉल्वमेंट हैं, जिस तरह से इनका तौर तरीका है, कार्य पद्धति है, तो ये सारा सिस्टम जो है सफ़ेद पोषों के हवाले है, सफ़ेद पोषों के इशारे पर ही इनको बचाने का काम किया। जांच करवाना चाहिए, मामले दर्ज होने चाहिए। यहाँ तक बात आई कि काल अगर लोकेशन ट्रेस किया जाए, बात किया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि घटना के पहले और घटना के बाद तो केपी त्रिपाठी, नीलमणि अग्निहोत्री और कुछ इनके ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कई बार बात हुई है, क्या लगता है कि जांच करके इनको भी दोषी बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल, मेरा आरोप है कि लगातार जो समाज सेवी हैं, विपक्षी दल के लोग हैं, मांग कर रहे हैं कि चाहे वो एसडीएम नीलमणि हो, केपी त्रिपाठी हो और जो भी इनके गुर्गे हैं, इन सारों का यदि मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया जाए तो बड़ा खुलासा होगा। लेकिन मुझे जो शंका हो रही है और जो मुझे जानकारी हुई है कि यहाँ का चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, पूरी तरह से हॉस्पिटल के अंदर भी सीएमओ साहब पर दबाव दिलवा रहे हैं और कहीं ना कहीं मामले से इन सारे लोगों को बचाने की मुहिम छेड़ रखे हैं। ऊपर से इनको डायरेक्शन है सत्ता सरकार का, और यदि इनका मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो जाए, बकायदे सारी जांच हो जाए, उच्च स्तरीय जांच हो जाए, तो ये सारे लोग इस मामले में ये फंस जाएंगे, ये बचने वाले नहीं हैं, लेकिन उनको बचाया जाए। आपने यह है एसडीएम के कारनामे। अगर इस तरह सत्ता के दबाव में गुंडागर्दी करने वाले अधिकारी जिस भी क्षेत्र में मौजूद रहेंगे, वहां आए दिन मारपीट और विवाद की घटनाओं का जन्म लेना आम बात है। आपको बता दें कि हाल ही में मनगमा एसडीएम करीडर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है, जो स्थगन आदेश देने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। आप सोच सकते हैं कि नायब तहसीलदार कोई आदेश करें तो पीड़ित आदेश लेकर घर नहीं पहुंच पाता, तहसीलदार स्थगन दे देता है। तहसीलदार आदेश करे और पीड़ित आदेश की तामील कराए, इसके पहले ही एसडीएम स्थगन थमा देता है। और यह स्थगन कैसे मिलता है, यह हाल ही में मंगामा एसडीएम का रीडर रिश्वत लेते गिरफ्तार होकर बता चुका है। ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर अंकुश लगाना जिले के आला अधिकारियों और राज्य सरकार का काम है, जो आम जनता को अमन चैन और निष्पक्ष वोटिंग के साथ अपना कार्य करने की अपील करते हैं। सूत्रों की माने तो जनपद सीईओ के ऊपर हमले के आरोपियों को और असली गुनाहगारों को बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जिसके चलते विधायक की पूरी मंडली भी लगी हुई है। जब असलियत जानने हमारी टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर आसपास के लोगों से चर्चा की तो स्पष्ट दिखा कि सिमरिया विधायक का खौफ कितना है। लेकिन नाम न बताने की शर्त पर स्थानीय लोगों ने बताया कि मुरलीधर शर्मा पिता सौखी लाल, संदीप द्विवेदी पिता रामकरण द्विवेदी सिमरिया, विजय गुप्ता सिमरिया, विवेक गौतम शपहा, मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू शुक्ला सांव, विनय शुक्ला पिता विनोद शुक्ला उर्फ बिन्नू, सत्येंद्र पांडे उर्फ गुड्डा पिता वीरेंद्र पांडे भटगवा, महेश चतुर्वेदी उर्फ पिंटू पिता मथुरा चतुर्वेदी भटगवा, सनम खान उर्फ बुग्गा पिता गुलशेर खान सिमरिया, दिलशेर खान पिता गुलशेर खान सिमरिया, धर्मेंद्र द्विवेदी उर्फ रज्जू बरहा, नीरू त्रिपाठी पिता कमलापति त्रिपाठी हरदी, सनत सेन सुमेदा, अनिल त्रिपाठी जो जेपी में नौकरी करता है, मंटू पांडे पिता राजकुमार पांडे सिमरिया, संदीप पांडे उर्फ भैयन पांडे सिमरिया, ब्रजेश द्विवेदी पिता बाबूलाल द्विवेदी सिमरिया, प्रदीप द्विवेदी पिता वारणी द्विवेदी हररई, रंजीत पटेल पिता छोटेलाल पटेल हररई, अंकित पांडे पिता रजनीश पांडे सिमरिया और योगेंद्र पांडे उर्फ कल्लू पांडे निवासी सिमरिया शामिल बताए जाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन घटना के पहले और घटना के बाद विधायक केपी त्रिपाठी, एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और इन सभी के कॉल डिटेल के साथ साथ सिमरिया में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच और मोबाइल लोकेशन ट्रेस करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जनपद सीईओ के असली गुनाहगारों में शामिल विधायकों के गुर्गे और सहयोगियों का पर्दाफाश हो जाएगा। जनपद सीईओ एसके मिश्रा के साथ हाल ही में हुई मारपीट और मंगलसन हालत में छोड़ने वाले अपराधियों को आखिर सजा कब मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।